जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 का क्वालिफायर टू दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच घमासान मुकाबला शारजहां के शानदार मैदान में दोस्तों मुकाबला खेला गया, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर के गेंदबाजों ने दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को नेस्त नाबूद करके रखा। पूरे मैच के दौरान हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया गया, लेकिन आज के मुकाबले में सुनील नारायण को ज्यादा मार पड़ी, जहां पर हमें देखने को मिला जिस प्रकार की गेंदबाजी केकेआर के बाकी गेंदबाजों ने करी, वो जादुई गेंदबाजी आज सुनील नारायण के ओवर में नहीं देखने को मिली। तो पूरे दोस्तों यहां पर फर्स्ट इनिंग की बात करेंगे, कितनी कैच छूटी, कैसे मैच को यहां पर कोलकाता नाइट राइडर अपनी ओर झुकाती नजर आई फर्स्ट इनिंग के दौरान, सारी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे ऐसे भी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बात करते हैं दोस्तों डीसी वर्सेस केकेआर के शानदार मुकाबले की, जो शारजहां के मैदान पर खेला गया। दोस्तों आपको बता दें, शारजहां क्रिकेट स्टेडियम ये वही मैदान है जहां पर एक मुकाबले में 33 छक्के भी लग चुके हैं, लेकिन अब ये मैदान अपने छक्कों के लिए नहीं बल्कि अच्छी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। यहां पर हर दिग्गज से दिग्गज गेंदबाज बड़ी से बड़ी टीमों को बड़ी जल्दी रोक देता है 150 से कम के स्कोर पर। पिछले दो मुकाबले अगर उठा के देखा जाए तो 150 बना पाना भी टीम के लिए बहुत कठिन साबित रहा है, चाहे वो चेज में हो, डिफेंड में हो, किसी भी तरीके से। अब इस मुकाबले पर बात करें, उससे पहले प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे बड़ा झटका दिया कोलकाता नाइट राइडर को एक दिग्गज खिलाड़ी की वापसी कराते हुए, क्योंकि उन्होंने आज के मुकाबले में टॉम करन को बाहर बैठाते हुए मार्कस स्टोइनिस की वापसी करा दी। डीसी की प्लेइंग 11 की बात करें तो पृथ्वी शो, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस के आने से बहुत मजबूती मिली। शिमरन हेटमायर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कगिसो रबाडा, आवेश खान और ओंदिक नौरतियाज हमें देखने को मिले। वहीं केकेआर की प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों तो सेम प्लेइंग 11 देखने को मिली जो बैंगलोर के मुकाबले में थी, जो राजस्थान के मुकाबले में थी। आंद्रे रसल की वापसी पर काफ़ी उम्मीदें थी कि आंद्रे रसल आज के मैच में वापसी करेंगे, मैदान पर काफ़ी कसरत भी करते नजर आए थे जब टॉस का समय हो रहा था, लेकिन मैदान पर जब कप्तान मॉर्गन टॉस के लिए आए और टॉस जीता कप्तान मॉर्गन ने, तो उन्होंने कहा कि सेम साइड यानी कि सेम प्लेइंग 11 वही दोस्तों हमें देखने को मिले। शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा, इयोन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, सुनील नारायण, शाकिब अल हसन, लॉकी फर्ग्यूसन, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती, यही दमदार खिलाड़ी देखने को मिले। अब आपको बताएं, टॉस कप्तान मॉर्गन ने जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि इस मैदान पर जो आंकड़ा कहता है वो यही कहता है कि गेंदबाजी करो, चेस करो और आसानी से इस मुकाबले को जीत लो। पिछला मुकाबले उठाकर देख ले तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान कोहली का एक डिसीजन था कि वो पहले बल्लेबाजी करेंगे, यानी कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मारी थी। भले केकेआर को 138 रन चेस करते वक्त काफी दिक्कतें हुई थी, लेकिन चेस भी केकेआर ने कर लिया था। बात का अंतर आता है जीत का, और जिस मुकाबले की हम बात कर रहे हैं वो है क्वालिफायर टू, यानी कि यहां से जो टीम हारी वो सीधा अपने घर को लिए रवाना हो जाएगी, और जो टीम जीती वो 15 अक्टूबर को खेलेगी फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। तो आज के टॉस के समय कप्तान मॉर्गन ने कोई गलती नहीं करी, अब पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। पृथ्वी शो और शिखर धवन की धाकड़ जोड़ी देखने को मिली, जो इस सीजन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी अपने बल्लेबाजी को लेकर, लेकिन फैब डू प्लेसिस ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी ने पछाड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मयंक अग्रवाल, केएल राहुल की जोड़ी बहुत बेहतरीन दिखी, साथ ही साथ फेस टू में सबसे बेहतरीन जो स्ट्राइक रेट जिस जोड़ी का निकल के सामने आया वो था वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल का, यानी कि केकेआर की जोड़ी का। अब बात करें पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स 135 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना पाई, 1355 विकेट। सबसे पहला जो विकेट लिया था दोस्तों वो लिया था वरुण चक्रवर्ती ने, तब तक पृथ्वी शो बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। चौथे ओवर की पहली गेंद था, यानी कि 25 गेंदों में 32 रन बटोर लिए थे दिल्ली कैपिटल्स ने। जिस हिसाब की ये पिच थी उस हिसाब से यहाँ पर पृथ्वी शो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 चौके 1 छक्का यहाँ पर पृथ्वी शो ने अपनी इस बल्लेबाजी में लगा दिया था। बारी थी यहाँ पर शिखर धवन की कि वो कैसे पारी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने एक अच्छी गेंद डाली और अपनी इस मैच की पहली ही गेंद थी, और पहली गेंद पर LBW आउट कर दिया वरुण चक्रवर्ती को। लेकिन दूसरे छोर से दोस्तों शिखर धवन बहुत ताबड़तोड़ पारी करे थे जब सुनील नारायण ओवर डालने आए थे। तीसरा ओवर सुनील नारायण ने जो ओवर डाला था उसमें बैक टू बैक 2 छक्के मारे थे शिखर धवन ने उनको, जो बहुत ही शानदार छक्के थे। 65-70 मीटर की बाउंड्री थी, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े छक्के थे। आपको बता दें तो शिखर धवन ने 39 गेंदों में 36 रन की पारी खेली, आज ज़्यादा कारगर नहीं रही सिवाय पृथ्वी शो और शिमरन हेटमायर को छोड़ के, बाकी सभी बल्लेबाजों का दोस्तों स्ट्राइक रेट बहुत कम देखने को मिला। अब यहां से पृथ्वी शो का विकेट दोस्तों 32 रन पर गिर गया था, तो दूसरा विकेट यहां पर आया मार्कस स्टोइनिस के रूप में 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर। शिखर धवन और मार्कस स्टोइनिस पारी को आगे लेकर जा रहे थे, मार्कस स्टोइनिस को नंबर 3 पर ही भेज दिया था बल्लेबाजी के लिए, लेकिन मार्कस स्टोइनिस आज के मुकाबले में सिर्फ 78 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर पाए, और शिवम मावी अपना पहला ओवर लेकर आए इस मैच का और उन्होंने सीधा विकेट गिरा दिया मार्कस स्टोइनिस का, कम से कम 2-3 मीटर दूर जाकर गिरी वो विकेट, वो देखने में बड़ा अच्छा ही नज़ारा था केकेआर फैंस के लिए। उसके बाद यहाँ पर
कप्तान ऋषभ पंत नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आते, क्योंकि 11वें ओवर की तीसरी गेंद तक सिर्फ 71 रन ही पहुंच पाया था दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर है। और यहां से उम्मीद थी कि कोई ऐसा बल्लेबाज आएगा जो मैच में कम गेंदों में ज्यादा रन बनाकर जो रन रेट उसको बढ़ा देगा, क्योंकि 5.5-6 रन रेट चल रहा था यहां से, और उम्मीद थी कि कोई ऐसा ही बल्लेबाज मैदान पर आएगा। लेकिन यहां पर आए श्रेयस अय्यर, नंबर 4th पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आए और नाबाद पारी खेली आज के मुकाबले में। और जब शिखर धवन का विकेट भी दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने लिया, 39 गेंदों में 36 रन की पारी गब्बर पाजी खेले थे, 1 चौके 2 छक्के की मदद से। 14वें ओवर की पहली गेंद पर जो था, मतलब 15वें ओवर की पहली गेंद पर 83 रन पर 3 विकेट गिरी यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की, 83 रन पर 3 ही विकेट खोई थी दिल्ली कैपिटल्स ने, लेकिन 7 विकेट अभी भी हाथ में थे और यहां से ओवर भी इनके हाथ में 6 थे। अब यहां से जो स्कोर 150-140 जाना चाहिए था लास्ट में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर, वो स्कोर 135 बन पाया, क्योंकि शिखर धवन का अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो 92 का था, मार्कस स्टोनिस का स्ट्राइक रेट देखें तो 78 रन का था, यानी कि गेंदबाजों ने आज विकेट कम ली लेकिन रन भी बहुत कंजूसी से दिए, 5.5-6 की इकोनॉमी हर किसी गेंदबाज की रही। प्लस श्रेयस अय्यर दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका साथ देने के लिए ऋषभ पंत आए, 6 गेंदों में 6 रन बनाए ऋषभ पंत ने 1 चौके की मदद से, लोकी फर्ग्यूसन ने उनका विकेट लिया, कैच पकड़ा राहुल त्रिपाठी ने, शिमरन हेडमायर दोस्तों 10 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे थे। और आपको बताएं मैच में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था जब 6-7 रन पर ही बल्लेबाजी कर रहे थे शिमरन हेडमायर, और वो कह सकते हैं कि दोस्तों वहां से उनकी किस्मत खुली, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने एक अच्छी गेंद डाली, गेंद बहुत ऊंची हवा में गई, वो गेंद पकड़ी यहां पर बड़े ही शानदार तरीके से शुभमन गिल ने। आज एक कैच शाकिब अल हसन ने बहुत अच्छा पकड़ा शिखर धवन का, और दूसरा कैच शुभमन गिल ने अच्छा पकड़ा था, भले ही वो विकेट नहीं मिली क्योंकि वो गेंद थी नो बॉल जब चेक किया गया, यानी कि शिमरन हेडमायर पवेलियन वापस जा चुके थे, अपना पैड भी उतारने की तैयारी में थे, लेकिन वो तभी नो बॉल दी जाती है जहां से शिमरन हेडमायर को वरदान मिलता है। अब शिमरन हेडमायर 10 गेंदों में 17 रन बनाने में कामयाब रहे उसी वरदान की वजह से, लेकिन श्रेयस अय्यर की वजह से वो रनआउट भी हो गए थे, 2 छक्के उन्होंने मारे। अक्षर पटेल ने लास्ट में 4 गेंदों में 4 रन बनाया, 27 गेंदों में 30 रन की पारी खेली श्रेयस अय्यर ने, लास्ट की गेंद पर एक छक्का मारा था इन्होंने जब टीम का स्कोर 129 था, तो इस स्कोर को इन्होंने 135 पहुंचाया, 27 पर 30 रन की पारी खेली श्रेयस अय्यर ने। गेंदबाजी की बात करें तो चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए, अगर वो नो बॉल नहीं होती तो 3 विकेट होते, लोकी फर्ग्यूसन ने 1 विकेट लिया, शिव मावी ने 1 विकेट लिया, टोटल 5 विकेट गिरी, तो 1 शिमरन हेडमायर का विकेट रनआउट के रूप में आया था। तो टोटल दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने 135 रन बनाए, 136 रन यहां पर चेस करने कोलकाता नाइट राइडर को। इनके पास धाकड़ बल्लेबाज शुभमन गिल है, वेंकटेश अय्यर है, राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा है, इयॉन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, सुनील नारायण, ये बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है। लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो सामने से अश्विन है, ओंदिक नोरकिया, अक्षर पटेल, कगिसो रबाडा, आवेश खान, मार्कस स्टोनिस भी है, तो यानी कि दोनों टीमों का पड़ा भी भारी हो सकता है, क्योंकि ये पिच सचमुच गेंदबाजी के लिए ज़्यादा बेहतरीन है ना कि बल्लेबाजी के लिए। अब देखते हैं केकेआर की टीम ये चेस कैसे करती है, लेकिन आपको आंकड़े बता दें तो पिछला मुकाबले जो जितने भी शारजहां के मैदान पर केकेआर ने खेले सीजन, वो सारे मुकाबले केकेआर जीते, पिछला मुकाबला केकेआर दिल्ली को हरा चुके इस मैदान पर एक बार। अब देखते हैं कि यहां पर कैसे केकेआर की टीम जीत पाती है, जो जीतेगा वो फाइनल, जो हारा वो सीधा अपने घर के लिए रवाना हो जाएगा। केकेआर वर्सेस डीसी का ये क्वालिफायर 2 यानी कि एलिमिनेटर 2 इस सीजन का, क्या लगता है दोस्तों कौन पहुंचेगा फाइनल में? बाकी आगे की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बने रहे हमारे साथ। 136 चेस करना है कोलकाता नाइट राइडर की टीम को, मैच नंबर 59 क्वालिफायर 2, नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।